हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एनिमल किंगडम में क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन में आगे लेके चलूंगा। तो क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन में आज हम लोग दो सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। दैट इज, फर्स्ट वन इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड अनदर वन इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि एक एक फाइलम और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, हम लोग यहाँ पे इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं जिससे हमें पता चले कि इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट में किस तरह से ऑर्गन का इवोल्यूशन हुआ, ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ और किस तरह से ऑर्गन्स वहां से इवॉल्व होते चले गए, कैसा ऑर्गन हमको पहले मिलता था और कैसा अभी मिल रहा है या एडवांस ऑर्गेनिज्म में मिल रहा है, उसके बारे में हम लोग इस एस्पेक्ट में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा 12th पार्ट है, दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो व्हाट द ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, क्या ऑर्गन्स थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, पोलिफेरा आपका पैराफाइलम एनिमल में पोलिफेरा है जिसमें कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले मिला। तो यहां पे पोलिफेरा, मिलेरिया एंड टीनोफोरा, यहां तक जो रिस्पायरेशन हो रहा है, रिस्पायरेशन थ्रू बॉडी सरफेस। क्या क्या ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि अलग अलग फाइलम में क्या ऑर्गन है फॉर द रिस्पायरेशन या रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम तो शुरू में नहीं डेवलप हुआ, लेकिन रिस्पायरेशन प्रोसेस होगी क्योंकि रिस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू ही उनके जो फूड है उसका मेटाबॉलिज्म होगा और उनको एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे पोलिफेरा, निलेरिया, टीनोफोरा हैविंग द रिस्पायरेटरी ऑर्गन बॉडी सरफेस। नेक्स्ट रहते हैं प्लेटी एंड एस्कियल हेलमिंथीस। मोस्टली प्लेटी एंड एस्कियल हेलमिंथीस आर मोस्टली दे आर पैरासाइट। तो जो पैरासाइट होगा तो वो किसी न किसी की बॉडी या किसी न किसी होस्ट में होगा, तो वहां पे उनका मोड ऑफ रिस्पायरेशन कैसा होगा, एनारोबिक। तो मोड ऑफ रिस्पायरेशन इज एनारोबिक, तो किसी ऑर्गन की जरूरत नहीं थी। एनिलिडा पहली बार पानी से बाहर आता है लेकिन अपने सरफेस को हमेशा मॉइस्ट रखता है। तो पानी में भी रह सकता है, पानी के बाहर भी रह सकता है, लेकिन मॉइस्ट, अपने सरफेस को मॉइस्ट रखता है और मॉइस्ट प्लेसेस पे पाया भी जाता है। तो यहाँ पे जब वो बाहर आ रहा है तो यहाँ पे जो उसकी स्किन है वो उसको हेल्प कर रही है रिस्पायरेशन में। तो यहाँ पे मॉइस्ट स्किन इज एज अ ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेशन एंड सच टाइप ऑफ रिस्पायरेशन इज कॉल्ड क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। क्यूटेनियस इट मीन्स मॉइस्ट स्किन, क्यूटेनियस इट मीन्स थ्रू स्किन। आर्थोपोडा दो तरह के, आइदर एक्वाटिक आर टेरेस्ट्रियल। इफ दे आर एक्वाटिक दे आर हैविंग द गिल्स और बुक गिल्स। अगर एक्वाटिक है, एक्वाटिक होने का मतलब है कि वो पानी में रह रहा है। आर्थोपोड्स पानी में भी थे, दे आर ओमनीप्रेजेंट। ओमनीप्रेजेंट इट मींस कि वो पानी में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल में भी रह सकते हैं। तो वो एक्वाटिक जब होंगे, जब वो एक्वाटिक मोड ऑफ लाइफ फॉलो करेंगे तो उनके पास गिल्स होगी, और अगर वो अगर गिल्स एंड बुक गिल्स बोथ इन द फॉर्म ऑफ एक्वाटिक। तो यहाँ पे गिल्स देखिए, मैंने पतली गिल्स का स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर थे गिल्स के। बुक गिल्स में और गिल्स में यही अंतर है कि दे आर थिक, बुक गिल्स आर थिक इन स्ट्रक्चर इन कंपेरिजन टू गिल्स दैट इज फॉर्म इन द आर्थोपोडा। आर्थोपोडा इन द केस where it is terrestrial, the trachea are the tube-like structure। तो मैंने आपको जब सर्कुलेशन बताया तो बताया था कि इनके पास गैसियस एक्सचेंज तो होगी नहीं क्योंकि पिगमेंट नहीं है। हीमोलिम जो आपका है वो इनके हीमोसील में रहती है, तो यहां पे इनको जरूरत होती है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की जो कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन की तरह काम करे ताकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो वहां पे। गैसियस एक्सचेंज
थ्रू सर्कुलेशन नहीं हो पाती, तो इसलिए ट्रैकिया या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इन द आर्थ्रोपोडा टेरेस्ट्रियल में। एंड फर्दर जब ये और इवॉल्व होते हैं तो दैट इज कॉल्ड बुक लंग्स। तो बुक लंग्स भी कैरेक्टरिस्टिक्स है टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोडा। मोलस्का, मोलस्का में और इवॉल्व हो गए, थोड़े और एडवांस हो गए, जो आर्थ्रोपोडा में पाए जा रहे थे वही मोलस्कन में भी पाए जाएंगे, लेकिन थोड़ा इवॉल्व और एडवांस होगा, सेम एज इन आर्थ्रोपोडा बट मोर इवॉल्व। इकाइनोडर्मेटा, अगेन इकाइनोडर्मेटा इज एक्सक्लूसिवली मैराइन। इकाइनोडर्मेटा में सारी प्रॉपर्टी जो है रिड्यूस हो रही है, सारी प्रॉपर्टी रिड्यूस हो रही है। आपने देखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम उनके पास नहीं है, उनका अपना वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, तो ब्रेन रिड्यूस हो गया, तो एवरी आर्गन एवरी पार्ट इज रिड्यूस्ड। तो अगेन इकाइनोडर्मेटा रिड्यूस्ड आर्गन, रेदर देन गिल्स आर प्रेजेंट, पेरिस्टोमियल गिल्स आर प्रेजेंट, एनदर सम आर्गन्स आर प्रेजेंट बट दे आर हाईली रिड्यूस्ड इन द एबव। जो इकाइनोडर्मेटा इससे पहले मोलस्कन और आर्थ्रोपोडा में आपको दिखा कि इनमें थोड़े एडवांस थे, लेकिन इकाइनोडर्मेटा में अगेन दे आर रिड्यूस्ड फॉर्म। हेमिकार्डेटा, हेमिकार्डेटा में फेरेंजियल गिल स्लिट्स मिले। फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो कार्डेट्स के करेक्टर हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स आपको कार्डेट में मिलता है, तो कोई भी कार्डेट हो उसकी पूरी लाइफ में कहीं ना कहीं फेरेंजियल गिल स्लिट्स होगा। वर्टिब्रेट्स में आपने देखा, जैसे हम लोगों में भी क्या है, हम लोगों के पास भी फेरेंजियल गिल स्लिट होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो हेमिकार्डेटा का जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है दैट इज द फेरेंजियल गिल स्लिट्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसके तीन करेक्टर जो है इनवर्टिब्रेट से मिलते हैं, दो करेक्टर कार्डेट से मिलते हैं या वर्टिब्रेट से मिलते हैं, तो फेरेंजियल गिल स्लिट इज द वन करेक्टर एंड इट यूज इज एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। वर्टिब्रेटा, पाइसेस, पाइसेस क्या है, पाइसेस एक्वाटिक लाइफ शो करेंगी, तो उनके पास क्या होंगे, गिल्स। तो जब गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन होता है, जैसे हम लोगों ने यहां कहा मॉइस्ट स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन होता है, जब गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन होगा दैट रिस्पायरेशन इज कॉल्ड ब्रैकियल रिस्पायरेशन। ब्रैकियल रिस्पायरेशन याद लिख लीजिएगा, ब्रैकियल रिस्पायरेशन। और जब लंग के थ्रू होता है दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी रिस्पायरेशन। तो आगे चलते हैं पाइसेस से, आगे चले एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस हैविंग द मल्टीपल ऑर्गन्स लाइक स्किन, एम्फीबिया, एम्फीबिया का मतलब क्या है कि वो पानी में भी है बाहर भी है, तो स्किन के थ्रू कर सकता है, गिल्स के थ्रू कर सकता है, लेकिन अगर एक्सट्रीम कंडीशन आती है तो वहां पे बक्कोफेरिंजियल। बक्कोफेरिंजियल का मतलब क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। इनके पास लंग्स हैं, एम्फीबियंस हैविंग द लंग्स बट दे डू नॉट हैव अ डायफ्रेम। तो हमारे पास जब डायफ्रैग्म है तो डायफ्रैग्म में क्या होता है, व्हेन वी इंस्पायर तो एक नेगेटिव प्रेशर अंदर डायफ्रैग्म में एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट करता है जिससे कि बाहर की हवा अंदर जाती है, बाहर की हवा अंदर जाती है, बिकॉज जहां पे भी प्रेशर नेगेटिव होगा वहां पे हवा उस प्रेशर को ओवरकम करने आएगी, तो हवा नेगेटिव प्रेशर में अंदर जाती है। बट इन केस ऑफ एम्फीबियंस फ्रॉग They do not have diaphragm. उनके पास diaphragm नहीं है, तो वो positive pressure create करते हैं पहले अपने मुंह में environment से, तो मुंह में भर लेते हैं और जब positive pressure उसको ढकेल कर अंदर करता है, तो ये बहुत ही tough condition होती है amphibians के लिए। तो जब tough condition में वो buccopharyngeal करता है, positive pressure मुंह में होने के कारण वो जाता है lungs को, lungs खुद से negative pressure generate नहीं कर पाता, तो बक्कोफेरेंजियल इज द अनदर टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन द एम्फीबियंस। जब वो किसी ऐसे कंडीशन पे होते हैं जहां पे वो स्किन के थ्रू या गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। एप्स, एप्स हैविंग द लंग्स विथ एयर सैक्स। एप्स या रेप्टाइल, पहले मैं रेप्टाइल के बारे में बात करूंगा, रेप्टाइल्स हैविंग द लंग, रेप्टाइल्स के पास लंग्स है बट एडवांस्ड कैटेगरी का लंग नहीं होता। लंग्स की शुरुआत रेप्टाइल्स पहले हैं जो कि पानी से निकलकर बाहर आए, और कुछ रेप्टाइल्स अभी भी पानी में हैं, लेकिन रेप्टाइल्स जो बाहर आ गए वो क्या, उनके पास लंग डेवलप हुआ।
लेकिन लंग उतना एडवांस कैटेगरी का नहीं था कि वो प्रॉपर उसको रिस्पायरेशन में हेल्प कर पाए। तो अभी भी आप देखेंगे दे आर इन ऑलवेज इन द रेस्टिंग कंडीशन मोस्ट ऑफ द टाइम। रेप्टाइल्स आर इन प्रेजेंट इन द रेस्टिंग कंडीशन, वो रेस्ट कंडीशन में होते हैं। जब बहुत ज्यादा भूख लगती है या बहुत कंडीशन ऐसी आती है तभी वो थोड़ा निकलते हैं। आपको देखेंगे नहीं मिलेगा अभी कितना तेज चल रहा है, लेकिन वो जब भी ज्यादा ज्यादा टाइम आराम करना चाहता है क्योंकि उसके लंग बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। तो लंग्स हैं, पल्मोनरी रिस्पायरेशन होगा, लेकिन लंग्स आर नॉट वेल डेवलप्ड। एप्स, एप्स में भी लंग्स फुली डेवलप नहीं है जैसे कि मैमल्स में मिलते हैं। एप्स के कंडीशन में इसके लंग्स के साथ, लंग्स यहां पे प्रेजेंट है, लंग्स है लेकिन इसके साथ एयर सैक्स लगे होते हैं। एयर सैक्स डिफरेंट जगहों पे एयर सैक्स लगे होते हैं, ये एयर सैक्स एयर को फिल कर लेते हैं। तो एक तो बर्ड्स उड़ने के लिए अपने बॉडी को अडॉप्ट करती है, तो उनकी बॉडी अडॉप्ट हुई तो उनकी बोन्स न्यूमेटिक बोन्स हॉलो बोन्स हुई और इधर लंग्स में एयर सैक्स बने। तो एयर सैक्स होते हैं प्रेजेंट इन द लंग्स इन केस ऑफ एप्स। मैमल्स का ऑर्गन क्या है? लंग। मैमल्स में फुली डेवलप्ड लंग पाए जाते हैं। तो मैमल्स चाहे जहां पे भी हो उसके पास लंग मिलेगा, आइदर प्रेजेंट इन द एक्वाटिक फॉर्म और प्रेजेंट इन द टेरेस्ट्रियल फॉर्म, उसके पास लंग होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बेसिस पे कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो व्हाट इज द एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इट मींस रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना। नाइट्रोजनस वेस्ट आपको पता है, मैंने आपको बायोमोलिक्यूल खत्म कर दिया है, बायोमोलिक्यूल के लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो आपको पता हो गया होगा कि नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब क्या है। आप बॉडी में क्या क्या चीजें स्टोर कर सकते हैं, जैसे हम फूड से लेते हैं ग्लूकोज लिया, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज में भी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कहां स्टोर होगा? लीवर और मसल्स में, बताया था। एक्सेस ऑफ फैट, फैट को भी आप एक्सेस होगा तो उसको आप स्टोर कर सकते हैं इन द बॉडी इन द एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यू में फैट आपका स्टोर हो सकता है। बट इन केस ऑफ एमिनो एसिड, जब प्रोटीन टूटेगा और एमिनो एसिड एक्सेस में है, अगर एमिनो एसिड का आप यूज नहीं कर पा रहे हो अपने बॉडी की प्रोटीन बनाने में और वो एमिनो एसिड एक्सेस अमाउंट में आते हैं, या जब न्यूक्लियोटाइड टूटता है तो नाइट्रोजनस बेस वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है। यहाँ पे प्रोटीन आप डाइट में ज्यादा लेते हो तो एमिनो एसिड मे नॉट स्टोर एनीवेयर। एमिनो एसिड को स्टोर करने के लिए बॉडी में कोई जगह नहीं है, अमीनो एसिड स्टोर नहीं होगा। तो जब भी ये एक्सेस में होगा तो इसको बॉडी से निकालने की जरूरत पड़ेगी, एलिमिनेट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जब एक्सेस में हो जाएगा तो ये बॉडी को हार्म कर सकता है, तो इसको निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए आपका अमीनो एसिड डीएमिनेशन प्रोसेस के थ्रू, अमीनो एसिड इज मेड अप ऑफ CHON से बना होगा, C होगा, H होगा, O होगा, N होगा, इसका बना होता है। कोई भी प्रोडक्ट बना लेगा जो CHO का हो, लेकिन यहां से जो निकलेगा डीएमिनेशन के थ्रू अमीनो ग्रुप बाहर निकलेगा। तो ये जो अमोनिया निकला इसको बाहर निकालना है बॉडी से। अब बॉडी से बाहर निकालना है तो ये तीन तरह के चीफ एक्सक्रीटरी सिस्टम है आपके पास जो ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। तो आइदर अमोनिया डायरेक्टली गोज आउटसाइड, अमोनिया बन गया है बॉडी में तो या तो वो डायरेक्टली आउटसाइड चला जाए, या वो यूरिया का फॉर्मेशन करे, या वो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करे। तो इट डिपेंड्स ऑन द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अमोनिया को डायरेक्टली बाहर निकालने के लिए हाई अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत है। अमोनिया जब डायरेक्टली आप बाहर निकालना चाहते हो तो डायरेक्टली बाहर निकालने के लिए उसको हाई अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है। इट मींस कि इन एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स, एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स में अमोनिया निकल सकता है क्योंकि वो एक्वाटिक मतलब बहुत पानी है, उनके पास पानी की कमी नहीं है। तो यहां पे देखिए ये दिस वन इज द हाईली टॉक्सिक, बहुत टॉक्सिक है, तो कॉन्टिन्यूअस इसका रिमूवल होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस रिमूवल होता रहता है। तो कॉन्टिन्यूअस एलिमिनेशन रिक्वायर्ड फॉर द अमोनिया एंड सच टाइप ऑफ एक्सक्रीशन मोड इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म इट इज इन एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स। एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स में आपको
अमोनोटेली मिलेंगे जिसमें अमोनिया डायरेक्टली रिमूव होगा। हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड और इसको रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है, तो वो बहुत ज्यादा वाटर कौन दे सकता है? एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स दे सकते हैं, वही हैबिटेट उसको दे सकता है। तो एक्वाटिक जो भी आपको मिलेंगे उसमें अमोनोटेलिज्म की चांसेस ज्यादा है, रदर देन कुछ एक्सेप्शन है, हर जगह कुछ एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, एक्वाटिक इन्वर्टिब्रेट में अमोनोटेलिज्म, फ्रेश वाटर बोनिफिसेस, जो फ्रेश वाटर बोनिफिसेस है उसमें भी आपको अमोनिया ही डायरेक्टली बाहर निकलता है। लार्वल स्टेज ऑफ एम्फीबियंस, एम्फीबिया की जो लार्वल स्टेज है उसमें भी आपको, लार्वा पूरी तरह से पानी में रहेगा बाहर नहीं आएगा, तो उसमें भी आपको अमोनिया ही डायरेक्टली बाहर निकलता है, या अमोनिया ही डायरेक्टली एज अ वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से बाहर आएगा। दूसरा है यूरिया, अमोनिया कन्वर्टेड इन यूरिया, लेकिन ये यूरिया इसमें जब पानी की कमी हो तो लिटिल टॉक्सिक, लेस टॉक्सिक है, कॉन्टिन्यूअस एलिमिनेशन नॉट रिक्वायर्ड। जब भी यूरियोटेलिक, यूरिया निकल रहा है तो इसको कहते हैं यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड यूरियोटेलिक एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड यूरियोटेलिज्म। तो यूरियो कॉन्टिन्यूअस एलिमिनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, यूरियोटेलिज्म इट इज प्रेजेंट इन टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स, जहां पे ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल होगा वहां पे आपको यूरिया एलिमिनेट होगा नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में। इट इज फाउंड इन कॉन्ड्रिथिस मैराइन, एडल्ट एम्फीबिया में आपको यूरियोटेलिक मिलेगा, जबकि लार्वल स्टेज में आपको अमोनिया था। मैमल्स मतलब वी, हम लोगों में भी यूरिया ही बाहर आती है, तो कंटिन्यूअस एलिमिनेशन तो होता नहीं है, हम लोग 1.5 से लेकर 2 लीटर के अप्रोक्सीमेट जो है यूरिन पास आउट करते हैं, तो वो ऐसा तो नहीं कि हम लोग कंटिन्यूअस करते हैं, कंटिन्यूअस केवल एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स में होता है। तो मैमल्स इज अंडर द यूरियोटेलिक, बोनिफिसेस दैट इज प्रेजेंट इन मैराइन फॉर्म, देखिए यहां बोनिफिसेस दैट इज प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर उनको अमोनोटेलिज्म, बोनिफिसेस इन द मैराइन फॉर्म हैविंग यूरियोटेलिज्म। यूरिक एसिड ये देखिए, यूरिक एसिड एज द नेम सजेस्ट यूरिकोटेलिज्म में होगा, ये भी टेरेस्ट्रियल में पाया जाएगा, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक नहीं है, इट इज फाउंड इन द रेप्टाइल्स। आपने घरों में छिपकलियां देखी होंगी, पानी के बहुत कम कांटेक्ट में आती हैं, पानी उनको नहीं मिलता या पानी से वो दूर ही रहती हैं, तो वहां पे पानी नहीं है तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म में जब पानी बिल्कुल, पानी से उनका संपर्क बहुत ही कम रहता है, लाइक रेप्टाइल्स, एप्स भी, पक्षियां भी यूरिकोटेलिज्म है। और जब इन्वर्टिब्रेट में बात करते हैं तो आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का हैविंग द यूरिक एसिड, तो ये ध्यान रखिएगा, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क्स इनमें यूरिक एसिड है, रेदर देन एक्वाटिक हैं, मोलस्कंस भी दोनों जगहों पे रहते हैं, आर्थ्रोपोड्स भी दोनों जगह पे रहते हैं, लेकिन इनमें मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज यूरिक एसिड। देखिए कुछ और भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, जैसे अगर न्यूक्लियोटाइड है तो गुआनिन को बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है जब एक्सेस में हो जाता है, तो एराकिडिनिड्स एक क्लास है आर्थ्रोपोड्स का, उसमें गुआनोटेलिक मिलते हैं, तो गुआनिन आपने पढ़ा हुआ है गुआनिन के बारे में, एडेनिन गुआनिन, गुआनिन को एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकालना होता है तो गुआनोटेलिक। TMO ट्राइमिथाइल ऑक्साइड इज ऑल्सो अ नाइट्रोजनस वेस्ट, बोनिफिसेस TMO, तो कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें। क्रिएटिनिन इज ऑल्सो नाइट्रोजनस वेस्ट, मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट, जब हमारी मसल्स की प्रोटीन ब्रेक डाउन होती हैं तो क्रिएटिनिन के फॉर्म में, तो वो भी बाहर निकलती हैं, तो क्रिएटिनिन इज ऑल्सो अ नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट, तो जो बाहर आती है, तो जब मसल्स, ऐसा होता है कि जब आपकी किडनी
गुड कंडीशन में नहीं होती है और किडनी में कुछ डिस्टर्बेंस आते हैं तो वहां पे क्रिएटिनिन आपकी यूरिन में आने लगती है। तो हम लोग ये देखते हैं कि क्रिएटिनिन का परसेंटेज बढ़ रहा है यूरिन में, तो हम लोग डिजीज को डायग्नोसिस में भी हेल्प आती है। तो मसल प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होती है तो क्रिएटिनिन का फॉर्मेशन करती है। तो यहां पे हम लोगों ने अभी तक एक्सक्रीशन के बारे में देख लिया। अब व्हाट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन द डिफरेंट फाइलम, उसके बारे में देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज आर ऑफ टू टाइप्स, चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड द अनदर वन इज द एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन जो हेल्प करते हैं, लाइक स्किन इज आवर एसेसरी ऑर्गन फॉर द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, बट द चीफ ऑर्गन इज द किडनी। तो इसी तरह से चीफ ऑर्गन और एसेसरी ऑर्गन में डिवाइड होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो चीफ ऑर्गन जो इनवर्टिब्रेट में पाया गया और वर्टिब्रेट में पाया गया, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में डिवीजन हुआ। तो चीफ ऑर्गन इनवर्टिब्रेट में क्या था और वर्टिब्रेट में क्या था, वर्टिब्रेट हैविंग द किडनी एज अ चीफ ऑर्गन फॉर द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, और नेफ्रॉन इज द यूनिट। तो नेफ्रॉन क्या करती है, फनल लाइक स्ट्रक्चर एट द वन एंड एंड देन द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो फनल ही उसको छानने में हेल्प करता है और नाइट्रोजनस वेस्ट वहां से बाहर आते हैं। तो किडनी आपकी वर्टिब्रेट में है, इनवर्टिब्रेट में देखिए क्या है, नेफ्रिडिया। लेकिन नेफ्रिडिया की जब बात करते हैं तो नेफ्रिडिया से पहले थोड़ा कम इवॉल्व, दैट इज प्रोटोनेफ्रिडिया। तो प्रोटोनेफ्रिडिया एंड मेटानेफ्रिडिया, तो प्रोटोनेफ्रिडिया किसमें मिला, प्रोटोनेफ्रिडिया, देन आएगा इवॉल्व नेफ्रिडिया, एंड देन और ज्यादा इवॉल्व हुआ तो मेटानेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया इज फर्दर डिवाइडेड इंटू फ्लैम सेल्स आर सोलेनोसाइट्स एंड आर रेनेट सेल आर एच कैनाल सेल्स। तो सबसे पहले एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहां मिलेगा, जहां ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कहां से हुआ, प्लेटी हेलमिंथ से। तो प्लेटी हेलमिंथ में सबसे पहले आपकी प्रोटोनेफ्रिडिया मिलती है, दैट इज कॉल्ड फ्लेम सेल्स आर सोलेनोसाइट्स। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लेटी हेलमिंथीस में नेफ्रिडिया मिलता है, प्रोटोनेफ्रिडिया मिलता है, तो प्रोटोनेफ्रिडिया मिलता है। एसके हेलमिंथीस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया। अगर स्पेशलाइज पूछेगा कि फ्लेम सेल्स आर सोलेनोसाइट्स किस में मिलते हैं, प्लेटी हेलमिंथ में। एच कैनाल सेल किस में मिलता है, एसके हेलमिंथ में। रेनेट सेल और एच कैनाल सेल्स एग्जाम्पल एसके हेलमिंथीस। मेटानेफ्रिडिया इज फर्दर डिवाइडेड इंटू मेटानेफ्रिडिया किस फाइलम में मिलेगा, भाई हमने प्लेटी पढ़ लिया, एस्केल पढ़ लिया, आगे पढ़े तो एनीलिडा। एनीलिडा में नेफ्रिडिया मिलता है, एनीलिडा में नेफ्रिडिया मिलता है, और इसमें एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं, उस पोर्स के थ्रू आपका एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर आ जाता है। मेटानेफ्रिडिया फर्दर और मोर इवॉल्व देन नेफ्रिडिया, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्क। आर्थ्रोपोडा इज डिवाइडेड इंटू टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। तो टेरेस्ट्रियल में मैल्पीजियन टिब्यूल मिलते हैं, मैल्पीजियन टिब्यूल, ठीक है, एंड एक्वेटिक में ग्रीन ग्लैंड्स। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछता है कि एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैव द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ग्रीन ग्लैंड, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। मोलस्का हैविंग द पेयर ऑफ ऑर्गन दैट इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ बोजेनस। तो ऑर्गन ऑफ बोजेनस इज लाइक अ पेयर्ड ऑर्गन, जैसे कि किडनी होती है पेयर्ड ऑर्गन, वैसे ही ऑर्गन ऑफ बोजेनस है, वेरी मच सिमिलर टू द वर्टिब्रेट्स। तो ऑर्गन ऑफ बोजेनस फाउंड इन मोलस्का। तो ये हमारा पूरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पे मैं आज इस लेक्चर में खत्म करता हूँ। आगे हम आपकी जो और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है खत्म करेंगे। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, अपने कमेंट्स दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, व्यू करिए, और जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करें। अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।